हेलो बच्चों, आज हम हिंदी एनसीईआरटी क्लास वन की एक कविता पढ़ेंगे, ठीक है। और कविता का क्या शीर्षक है? छोटी का कमाल। तो देखो क्या लिखा हुआ है। समर सिंह थे बहुत अकड़ थे, छोटी कितनी छोटी। तो यहाँ समर सिंह एक इंसान को कहा गया, छोटी छोटी सी बच्ची को कहा गया। नीचे आप लोग अपने लोगों के पिक्चर पर देख सकते हो। समर सिंह थे बहुत अकड़ थे, छोटी कितनी छोटी। तो यहाँ कहा गया कि समर सिंह के अंदर बहुत ज्यादा अकड़ थी और छोटी कितनी छोटी थी। मैं हूँ आलू भरा परोठा, छोटी पतली रोटी। तो यहाँ पे समर सिंह क्या करे कि मैं परोठा जैसा मोटा हूँ पर छोटी तो रोटी जैसी पतली है। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। यहाँ समर सिंह क्या कह रहे कि मैं मोटा तगड़ा यानी ताकतवर हूँ पर छोटी पतली दुबली है यानी ताकत उसके अंदर इतनी ज्यादा नहीं है। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। यहाँ समर सिंह क्या कह रहे हैं कि मैं पटसन का मोटा सा रस्सा हूँ, रस्सी हूँ, लेकिन छोटी सुतली जैसी पतली है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दू पटसन का जो रस्सी होता है बहुत ताकतवर होता है। लेकिन जब बैठे सीसो पर होश ठिकाने आए। नीचे आप देख सकते हो सीसो जहां पर बैलेंसिंग किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समर सिंह जब हम लोग सीसो पर बैठे तब होश ठिकाने आए यानी अकल ठिकाने आ गई। छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकरा है। यहाँ छोटी देख सकते हो ऊपर है ना, चोटी यानी ऊपर, और समर सिंह कहाँ रह गए? नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो कविता है यहाँ पर फिनिश होते थे। एक बार चलो हम लोग इसको फिर से पढ़ लेते। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। मैं हूँ आलू भरा परोठा, छोटी पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे शीशो पर होश ठिकाने आए। छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए। ठीक है, तो आप देखो इसी कविता को जो हम लोगों ने पढ़ा है तो उसी से बेस्ड हम लोग है। थोड़ा सा एक छोटा एक्सरसाइज का है। दूसरा सवाल से मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ। बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रहेगा? तो दो दो को आपको कंपेयर करेगा, हाथी और चूहा है। तो इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा? हाथी नीचे जाएगा, चूहा ऊपर। ठीक है, दूसरे में आप देख सकते हो यहाँ पर कहा गया है कि लायन है, शेर, ठीक है, शेर है, और यहाँ पर बिल्ली की बात बताए। तो कौन रहेगा? शेर नीचे रहेगा, बिल्ली ऊपर रहेगी। तुम और तुम्हारा दोस्त या सहेली, ये आप लोग खुद से कंपेयर करना है। ठीक है, कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे, आप लोग करके देखना है स्कूल में। और फिर देखो इनमें से किसके अंदर अकड़ रहेगी? राजा के अंदर अकड़ रहेगी, शेर के अंदर अकड़ रहेगी, है ना, इन लोगों के अंदर अकड़ रहेगा, और पहलवान के अंदर, क्योंकि वो ताकतवर है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग का जो कविता है फिनिश होता है। ठीक है।